वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। हाउ आर यू? आई होप कि आप सब लोग बढ़िया होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे और मैं भी मस्त हूँ। और आज के ब्लॉग को भी हम करते हैं स्टार्ट। और जय मां नंदा, सुनंदा की जय हो। तो आज कल आपने देखा कि यहाँ पर कि मौसम इतना खराब होने की वजह से इतनी बारिश हुई थी, मां अस्त व्यस्त हो गया था वहाँ पर। तो और अभी भी मैं सुबह से फिर मैं तो दुकान को चले गया था, तो इधर अभी नहीं आ पाया था। बाकी सामान वगैरह जो है मैंने यहाँ भिजवा ही रहा था, कहते सब वो कर रहा था व्यवस्था वगैरह, वहीं से बैठ के देख रहा था। तो अभी मैं आ गया हूँ यहाँ अंदर और अभी देखते हैं वहाँ पर क्या कार्यक्रम अभी चल रहे हैं। तो चलिए आपको भी दिखाते हैं वहाँ के कार्यक्रम। तो फ्रेंड नैनीताल से हमारे कहते और लोग भी आ चुके हैं और बस आ गई है पूरी हमारी, यहाँ पर देख सकते हैं आप। और इसी बस में जाएंगे कदली वृक्ष नैनीताल के लिए। पूरी टीम हमारी कल आ चुकी थी और बाकी एक टीम और ये अब अभी पहुँच चुका है यहाँ पर। बहुत बढ़िया पूजा आप लोग कर रहे, लेकिन ऊपर को पैरों से ऊपर को, सबसे पहले पैरों के पास ओम दुर्गाये नमः पादो पूजयामि, दोनों पैरों जैसे आपका शरीर है वैसा ही उसका शरीर भी है। पूरे हल्द्वानी के लिए सौभाग्य की बात है, इतने सालों बाद हमें ये सौभाग्य मिला है यहाँ पर। तो हम तो धन्य है और माता नंदा सुनंदा का आशीर्वाद हर समय हमें ऐसे ही मिलता रहे, यही हमारी अभिलाषा है कि माता रानी की जय। आपका नाम? मेरा नाम नरेश मेहता, ब्लॉग करके मैं ब्लॉग चैनल बनाता हूँ। और यदि इस कहते प्रोग्राम को आप पूरा कंटिन्यू देखना भी चाहते हैं तो आप मेरे ब्लॉग में भी सर्च कर सकते हैं, नरेश मेहता एनपी ब्लॉग। यहाँ पर खाने वाने की व्यवस्था भी हो चुकी है, देख रहे हैं अभी आपको लेकर चलते हैं रसोई में। रसोई में क्या कहाँ तक पहुँचा है प्रोग्राम, आइए। क्या हो रहा तैयारी है, हो गया? तो खाना वाना भी यहाँ पर सब कंप्लीट है, बाहर का जो हमारे वहाँ पर अभी कीर्तन भजन चल रहे हैं तो थोड़ी देर वहाँ जाके वहाँ बैठते हैं हम लोग। पकड़े रहो,
तो कन्या पूजन अभी हो ही चुका है वहाँ पर, अब कदली वृक्ष को काटने की तैयारी चल रही है, तो आपको अभी अभी हम दिखाते हैं। और बाकी यहाँ पर खाना वाना भी हमने कहते हैं स्टॉलों पे लगा चुके हैं, आते हैं आपको आपको दिखाते हैं कदली वृक्ष को कैसे निकाला जा रहा है। आइए एक कदली वृक्ष यहाँ पे आ चुका है, तो ये अभी आधे रास्ते तक पहुँचा दिया, अभी दूसरा कदली वृक्ष लेने के लिए जा रहे हैं, और चलिए वहाँ पे दूसरा कदली वृक्ष लेके आते हैं। फ्रेंड दूसरा कदली वृक्ष भी आ चुका है, जय 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 जय
तो फ्रेंड दूसरा व्यक्ति भी आ चुका है, अभी इसको यहाँ पर रोका हुआ है क्योंकि अभी फिर इसको चलाएंगे हम अभी बस में। तो अभी फिलहाल के लिए पहला स्टॉप इनको मैया को यहाँ पर दिया गया है। तो ठीक है, वाले टूट गए हैं ना, ये इतने बड़े बड़े पेड़ के कहते यही रहेंगे नहीं बेटा, ये पहला स्टॉप है। देखो यहाँ पे कितना सौभाग्य की बात है, माँ नंदा सुनंदा पहले हमारी देवी मैया से मिलकर जा रही है। तो देखिए हाँ, स्थापित देवी मैया है तब ना। हाँ देखो यहाँ पर कहते मतलब ऐसा नहीं होता है ना, लेकिन ये स्टॉप मैया को ऑटोमेटिकली मिल गया यहाँ पर। हाँ अब ये बस में जाएंगे ना, बस में रखे नंदा माँ नंदा सुनंदा के वृक्षों को वहीं पर रखा गया है। और अब आ गए यहाँ भंडारा होने वाला है, और हमारे डॉक्टर साहब तिवारी जी, और कैसा लगा आपको यहाँ? बहुत बढ़िया, बहुत आनंद आया। हमारे पैसा जी का कार्यक्रम बहुत बढ़िया रहा, और ये वैसे भी बहुत बढ़िया आदमी है। धन्यवाद आपका, आपने बोल दिया कि भंडारा वगैरह पठा ले लिया, धन्यवाद। अरे क्या चश्मा लग रहा है आपका, बढ़िया। अच्छा चलो कोई बात नहीं, अब दादी। हेलो हेलो डॉक्टर साहब, और प्रसाद ग्रहण हो गया? बिल्कुल प्रसाद ग्रहण हो गया है। लोगे? नहीं बस अभी लेते हैं यार, तुम लोग करो। गर्म हो रहा है बड़े भाई, भैया भंडारा बाद में लेंगे, थोड़ा सा प्रसाद ग्रहण कर लेते हैं हम भी। चले वो कहाँ जाएगा ही चलेगी। चावल खत्म हो गया अभी मंगा रखा है, थोड़ी देर रुक जाओ बस। भंडारा वगैरह अभी चल ही रहा है, और नैनीताल वालों ने भंडारा हो गया उन लोगों का, और अब उनको लेट भी हो रही है क्योंकि फिर उन्हें वहाँ नैनीताल में पूरा घूमना है। तो हमारी महिलाएं भी तैयार हो गई हैं कलश वगैरह लेके, और अब हम जाते हैं उनको वहाँ विदाई करके आते हैं करंजी वृक्ष की। ओके अभी आपको दिखाते हैं आगे का सीन। Hey, Mata Di! Hey, Mata Di! Hey, Mata Di!
और ये एक निशान होता है, प्रतीक होता है, इसको आगे आगे लेके चलते हैं। तो ये अभी जब हम जाएंगे तो ये दूर से ही दिख जाता है कि हाँ हमारी जो है कहते हैं नंदा सुरंदर मार्ग आ चुकी है टोली करके यहाँ पर। तो ये उसी निशान का वो है, प्रतीक है। तो भाई अब कहते हैं बस में सब लोग रेडी हो चुके हैं और सब जाने के लिए तैयार हैं, और जाम से भी हमने आगे को निकाल दिया है बस को, और हम इसको दिखाते हैं लाल झंडी बस को और करते हैं बाय बाय। जय माँ नंदा सुनंदा जी। जय माता की। तो हम विदाई करा है और अब यहाँ पे बचे हैं जो भी कहते महिलाएं हैं उनका प्रतिगोज हो रहा है, बाकी लोगों ने तो कर ही लिया था, अब महिलाएं बची हुई है, महिलाएं कर रही हैं यहाँ पर प्रतिगोज। लेकिन सिरदा कहाँ महिला है? ये क्या है सिरदा, खाली पूरी 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 हाँ दीक्षु ले आई मिल गया किस्मत। ये किस्मत वालों को ही मिलता है, यहाँ की किस्मत देख तो जरा। बच्चे कहाँ है? चलेंगे। हाय बेटा, बहुत बढ़िया है ये तो, बहुत अच्छा कहते हैं हाथ से खाने का तो और ही आनंद है यार।